बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इतनी मेहनत हमने की है और जब आपकी मेहनत का इतना खूबसूरत और इतना मीठा फल आपको मिलता है, इससे बढ़ के आपको क्या खुशी हो सकती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मेरे लिए तो जब भी कोई इंसान कहता है कि जी हमने आपका गाना सुना, बेहद पसंद आया और हमारे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई, मेरे लिए वही सबसे बड़ा कॉमेंट। एक्चुअली मैंने मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा वक्त हो गया, मुझे इतना सारा लोग ये बात कह रहे हैं कि मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया। और जिस तरह का प्यार मुझे इस वक्त मिल रहा है और जो अप्रिसिएशन मिल रही है, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि यार ये जाती कर दी तुमने इतना वक्त लेकर। ये तो इतना खूबसूरत रिस्पांस आ रहा है कि ये तो पहले करना चाहिए था। मेलोडी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। मेलोडी मेरे ख्याल में म्यूज़िक में सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आप मेलोडी जब भी आप लेके आएंगे, वो मेरे ख्याल में अगर सिंपल और अच्छी खूबसूरत मेलोडी हो, वो लोग हमेशा उसको अपनाएंगे। और मेरा ये हमेशा एक तजर्बा भी रहा है और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ। और अगर आप देखिए पुराने जो गाने हैं पुराने दौरों के, तो उनमें सारे जो गाने जो कई जो अब रिक्रिएट भी हो रहे हैं, उन सब की रिक्रिएशन या रीमिक्स की वजह ही यही है क्योंकि उनकी मेलोडीज़ बहुत स्ट्रांग हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेलोडी जो है वो कभी भी हार नहीं सकती म्यूज़िक के मौजू में। तो मैंने ये सोचा कि चाहे जिस तरह का भी म्यूज़िक चल रहा हो, एक स्ट्रॉन्ग मेलोडी जब आएगी और अगर लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी तो लोग उसको अपनाएंगे, और शुक्र है कि लोग पसंद कर रहे हैं जी। एक्चुअली मैं आई वॉन्ट टू गो, मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि आई वॉन्ट टू सेट अप अ प्रॉपर स्कूल जहाँ पे म्यूज़िक की तालीम जो है वो बकाया डिटेल में दी जाए, ना सिर्फ पियानो में मगर गायकी में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, जहाँ पे अच्छे अच्छे उस्ताद और टीचर्स आए सिखाने के लिए। तो ये मेरा एक ख्वाब है समझ लीजिए। तो और उसमें ज़ाहिर है कि अगर उस तरह की चीज़ प्रॉपर तरीके से अगर की जाए तो उसमें आजकल के दौर के मुताबिक YouTube में भी उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी कोई हद नहीं है, कोई अंत नहीं है। और जो मुझे इस इतने खूबसूरत और इतने बड़े एजाज़ के लिए जो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है, वो भी मैं बयान नहीं कर सकता। इट्स अ ह्यूज ऑनर और इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं प्यार भरा हुआ है और ब्लेसिंग्स हैं। और इसके लिए मैं अपने फैंस की, लोगों की, पब्लिक की बहुत बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को इस तरह का ऑनर मिले, ये ख्वाब जैसा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा इतना ज़्यादा प्यार दिया है। इस प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और जाते जाते मैं आपके सामने यही गाना थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ कि तू याद आया, तू याद आया, तू याद आया है आज फिर, तू याद आया, तू याद आया, तू याद आया है आज फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।